Hey guys, welcome back to my YouTube channel. क्या आप यहाँ पे जानना चाहते हो कि आपने पुराने स्टोरीज को भी जो कि आपने बहुत दिन पहले लगाया था स्टोरी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर, क्या आप उन स्टोरीज को हाइलाइट्स फीचर्स में इनेबल करना चाहते हो, मतलब अपने पुराने स्टोरी को सेट करना चाहते हो, एक न्यू हाइलाइट्स क्रिएट करना चाहते हो, डेफिनेटली आप यहाँ पे कर सकते हो। बहुत ही गजब का ट्रिक लेके आ चुका हूँ जो कि 110% वर्किंग ट्रिक रहने वाला। तो गाइस प्लीज इस वीडियो में आप एंड तक बने रहे। तो दोस्तों पूरी डिटेल समझाने के लिए सिंपली आपको साइड में स्क्रीनशॉट करना पड़ेगा, तो गाइस प्लीज आप वहाँ पे ध्यान दीजिए। तो गाइस सिंपली आपको अपने इंस्टाग्राम एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। तो गाइस यहाँ पे आप देखते हो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो गाइस मैं आपको बता दूं, आप अपने पुराने स्टोरीज को भी जो कि आपने लगाया था अगर आपको हाईलाइट करना है तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। तो कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपको आ जाना है अपने अकाउंट सेक्शन में। अकाउंट सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली राइट कॉर्नर में थ्री लाइंस पे टैप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि रहने वाला आर्चिव, जो कि जस्ट सेटिंग के नीचे रहने वाला जो कि सेकंड नंबर पे है। तो गाइस सिंपली आपको उस पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद यहाँ पे आपने जो भी स्टोरी लगाया होगा डेफिनेटली आपको पे देखने को मिल जाता है। इसी के साथ साथ किसी भी स्टोरी में अगर आपने पे टैग कर रहा है लोकेशन को, तो वो भी आपको यहाँ पे लोकेशन सेक्शन में देखने को मिल जाता है। तो सिंपली आपने स्टोरी सेक्शन में आ जाना है। स्टोरी में सेक्शन में आने के बाद जो भी स्टोरीज आपने लगाया होगा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा हर एक स्टोरी, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो। इसी के साथ साथ कब लगाया था, कौन से डेट को लगाया था, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। जैसे यहाँ पे आप देखते, मैंने बहुत सारी स्टोरी अभी तक लगा दी है और यहाँ पे हर एक स्टोरी को मैं अपने की मोमेंट्स में कह सकते हो हाईलाइट्स में सेट कर सकते हो। तो मान लीजिए यहाँ पे मुझे ये फीचर्स कह सकते हो ये स्टोरी को हाईलाइट करने, तो सिंपली मैं इस पर टैप करूंगा। टैप करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि जस्ट नीचे रहने वाला है हाईलाइट्स का। तो सिंपली आपको इस पर टैप कर देना है। अब आपने जो भी हाईलाइट्स क्रिएट करोगे, जिस भी नाम से क्रिएट करोगे, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो मी है, स्पेशल है, मोमेंट्स। अगर आपको यहाँ पे और भी न्यू हाईलाइट्स एड करने हैं, मतलब और भी न्यू हाईलाइट्स के रीनेम करना है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप सिंपली न्यू पे टैप करेंगे। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे हाईलाइट्स का नाम सेट आउट कर लेना है, ऐड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली ऐड पे टैप कर देना है। ऐड पे टैप करने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ देर रिलोडिंग होगा और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा एडिट हो चुका है, जो कि न्यू हाईलाइट्स एडिट हो चुका है सक्सेसफुली। इसी तरीके से आप यहाँ पे हर एक हाईलाइट्स को ऐड कर सकते हो जो भी आपने प्रीवियसली लगाया होगा, चाहे वो कितना भी दिन पुराना हो, कोई सा भी स्टोरी हो, बट आपने वो कभी ना कभी स्टोरी लगाया होगा, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे लगा सकते हो, हाईलाइट्स की मोमेंट्स में एडिट कर सकते हो। सो गाइज आपको कुछ इसी ट्रिक को अप्लाई करके कुछ इसी तरीके से पुराने स्टोरीज को भी हाईलाइट में ऐड करना है। तो गाइज कैसा आपको वीडियो लगी, कैसे आपको ये जानकारी लगी हो, जरूर आप मुझे कमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इस तरह से जानकारी मिली हो, तो गाइज प्लीज अब इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादातर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइज फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।